अच्छी पिक्चर थी, गुड हॉरर एंटरटेनिंग मूवी, लेकिन ये सब रियल लाइफ में थोड़ी होता है। टेंशन नहीं कर आशु, सब नकली है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ये लोग ऐसे ही लिख देते हैं बस डराने के लिए, ये सब नकली है। साला शैम्पू लगाने के लिए आँख बंद कर रहा हूँ तो चुड़ैल दिख रही है। जाने दे, आज आँख खोल के ही शैम्पू करता हूँ मैं। कौन है? बाहर निकाल देता हूँ। एक मिनट, अगर भूत ने बेड के नीचे से आके मेरे पैर पकड़ लिए तो? नहीं नहीं बाबा, ब्लैंकेट के अंदर ही डाल देता हूँ, अभी मेरे पैर सेफ है, थैंक गॉड। साला डर के मारे गला सूख गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं जानता हूँ अभी क्या होगा। ये मूवी का वो वाला पार्ट है जब मेन कैरेक्टर बाहर पानी पीने जाता है और भूत उस पर पीछे से हमला कर देता है। मैं नहीं जाऊंगा, पिक्चर के कैरेक्टर चूते होंगे, मैं चूते हूं, मैं तेरे चाल में नहीं आने वाला भूत। तू जा और बिपाशा बासु को पकड़। बहुत डर लग रहा है यार, बहुत डर लग रहा है यार। हे भगवान, 3 बजे के पहले नींद करा दे। अगर मेरे पास भूत आ गए तो मैं इनको कैसे भगाऊंगा? प्लीज भगवान, 3 बजे के पहले नींद करा दे। मेरे को तो हनुमान चालीसा भी नहीं आती है। 3 बजे भूतों का एक्टिव टाइम रहता है भगवान। लेकिन उनको भगाने के लिए मेरे को कुछ तो आना चाहिए यार, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, मैं वंदे मातरम गाऊंगा। वंदे मातरम वंदे, वंदे मातरम वंदे, वंदे मातरम वंदे। लेकिन वंदे मातरम से क्या होगा, मुझे तो भूतों से लड़ना है, आजादी की लड़ाई थोड़ी लड़ने जानी है। एक काम करता हूँ, रवि को कॉल करता हूँ, साला अभी तक जाग रहा होगा। हेलो, थैंक गॉड रवि तू जाग रहा है यार, मेरी बहुत फटी हुई है, मैंने अभी गंदी हॉरर पिक्चर देखी यार, मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, मुझसे बात कर। क्या बात करूं बता। अरे कुछ भी बात कर यार, डिस्ट्रैक्ट कर मेरे को यार, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तेरे को जबरदस्त फैक्ट बताता हूं मैं, जबरदस्त। हाँ हाँ बता बता, फैक्ट बता। अरे ऐसा बोला जाता है कि रात के 3 बजे घर की सारी खाली कुर्सियों पर भूत प्रेत आके बैठते और तुम्हें घूरते। अबे ओ, मेरी फटी हुई है, तेरे को समझ नहीं आ रही क्या बात? क्या बातें कर रहे हैं, कुर्सी भूत 3 बजे, पागल है क्या तू यार? अच्छा चल, मैं तेरे को एक जबरदस्त कहानी बताता हूँ, जबरदस्त। हाँ चलेगा, मेरे को एक मस्त कहानी बता। अरे गांव की कहानी है, जबरदस्त। कैसा गांव? देख तो कहानी ये है कि गांव में रात को 3 चुड़ैले आके छत पे नाच गाना करती है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि एक चुड़ैल वो ग्रुप को छोड़ के चली गई, वो आजकल अभी यूट्यूब पे गाने बनाती है। अभी एक गाना लॉन्च किया था उसने यार, क्या सेल्फी मैंने ले लिया जैसा कुछ। अपना दिमाग खराब है क्या? क्या बातें बता रहे, चुड़ैल गांव, पागल है क्या तू? तेरे को जबरदस्त नॉर्मल बात बताता हूँ मैं, जबरदस्त। प्लीज यार नॉर्मल बात। मैंने आज सुबह अपने वॉचमैन को देखा। अरे वाह, तो? अरे लेकिन 2 दिन पहले मेरा वॉचमैन मर गया था यार। अरे यार हट हट। ऐसा बोला जाता है कि रात के 3 बजे घर की सारी खाली कुर्सियों पर भूत प्रेत आके बैठते और तुम्हें घूरते। हो गया। उसने कहा था रात को खाली कुर्सियों पे आके भूत बैठेगा, लेकिन ये कुर्सियों पे तो सामान पड़ा है, तो भूत बैठेगा का? स्मार्ट। मम्मी मम्मी मम्मी, मेरे रूम में कुछ है, मेरे रूम में कुछ है मम्मी। मुझे माफ कर दो देवी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे को माफ कर दो, मुझे जिंदगी में और बहुत कुछ करना है, मुझे सेक्स भी करना है, मैंने नहीं किया है अब तक, मुझे माफ कर दो देवी, मुझे माफ। क्या हुआ मुस्कान? क्या कर रही है तू? मैं तो अपने बाल सुखा रही थी।
रात के 2 बजे हॉल के बीच में खड़े रह के सफेद कपड़े पहन के कौन बाल सुखाता है? क्या पैंटीन की एड चल रही है इधर रात को? हाँ अंदर जा, अंदर जा पागल आदमी।